आप ये बता दें आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, किस सेमेस्टर से हैं, और मुझे थोड़ा बता दें अपना जो काम है आपका, शो ऑफ किया हुआ है आपने। जी इसके अलावा एलोवेरा जेल और लेमन जूस वगैरह भी लिए जैसे इसमें, और इसमें तो जो है ना पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स करते हैं, उसमें हीट करते हैं, फिर जो है ना वो प्रेस प्लेट्स वगैरह बनते हैं, वो उन्हें फिर हम कूल डाउन करते हैं, और उनमें कोई भी अनहाइजेनिक कोई चीज़ नहीं है, ये हाइजेनिक है, तो स्किन के लिए भी अच्छी है और डैमेज नहीं करती। तो ये आपने रो भी देती है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं करती स्किन को, जिससे पिंपल होते हैं। ठीक है, आपने ये खुद लैब में तैयार किया, आप किस सेमेस्टर से हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बी एस केमिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर, और आपका नाम? थैंक यू सो मच। आप ये अपना प्रोडक्ट दिखा सकती हैं, दिखा दें। आप बता दें आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। बनाया है सैनिटाइजर लेबॉरेटरी में, जो कोविड का ड्यूरेशन था उसमें आपने सैनिटाइजर यूज़ किए होंगे, जो स्टार्ट का एरा था उसमें ऐसा था कि कुछ सैनिटाइजर थे जो स्किन के लिए एसिड क्रिएट कर रहे थे, स्किन के लिए रिएक्शन कर रहे थे, एलर्जिक रिएक्शन जैसा होता है, उसके अलावा ये जो सैनिटाइजर हमने बनाया है ये 100% प्योरिटी रिलायबिलिटी इस चीज़ की गारंटी है। और जो इसमें सबसे अच्छा हमारा एडिशन है वो ये है कि हमने इसमें क्या चीज़ ऐड किया है, क्योंकि उसका ये है कि तो फ्रेगरेंस अच्छी करता है फ्रेगरेंस, और दूसरी बात ये है कि अगर हम उसको स्मेल करते हैं उसके फ्रेगरेंस को तो वो आपके माइंड की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ये है कि जो इसके अंदर कैथिकोल है, अगर वो आप स्किन भी टच करते हैं, आप स्किन भी लग जाता है ना, तो स्किन को अगर ड्राई है तो उसको क्लियर करेगा, रफ नहीं करेगा। उसके अलावा इसकी एक्टिविटी और इसके जो इंग्रेडिएंट है सारे वो सारे बैलेंस रखे गए हैं, ना ये किसी की स्किन को डैमेज करेगा और ना ही किसी और किस्म का नुकसान या कुछ होगा। थैंक यू सो मच। आपकी क्लास और सेमेस्टर? मेरा नाम अताउर रहमान है, BS Chemistry 7th सेमेस्टर इवनिंग, और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारे लेबॉरेटरी में बैचमेट्स के साथ क्रिएट किया है। बैचमेट्स सब ने कंट्रीब्यूट किया है, टीचर्स की कोऑपरेशन साथ होगी। ये हमारा फोकस करता है लाल साहब का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ये हमने कोशिश की है जी, जो बुनियादी तौर पर हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल चीज़ें हैं ना उनको हमने इम्प्रूव फार्म में किया है, उनको इम्प्रूव फार्म में उनको हमने एनालिसिस करके जो जो चीज़ें उनमें ऐसी थीं जो आपके लिए सेहत के लिए सही नहीं थी उनको हमने निकाल दिया, और उनमें से हमने वो चीज़ जैसे अपना एंटी ऑक्सीडेंट वगैरह इस किस्म की कैटिकोल वगैरह चीज़ें डाली जिससे आपके बेहतर रिजल्ट है। जिस तरीके से आप डिटर्जेंट देखें, हमने 3 डिफरेंट किस्म के डिटर्जेंट बनाए, इसी तरीके से सोप हमने डिफरेंट किस्म के बनाए, चॉकलेट, और ये हमारे पास सैनिटाइजर है, और भी बहुत से हमारे पास प्रोडक्ट बने हुए हैं जो कि हम अभी डिपार्टमेंट में एक और अलहदा से फंक्शन करेंगे तो उसमें सारा कुछ हम दिखाना चाह रहे हैं। तो कहना ये है कि एक छोटे लेवल पे एक लोकल लेवल पे ना यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, HOD की सुपरविजन और VC साहब के नज़रिए के मुताबिक हम इसे बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कमिंग डेज में आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी मुल्क की एक नामवर यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर आप स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारे स्टूडेंट इस इलाके के बहुत मेहनती हैं, एक जिसे आप कहते हैं ना थ्रस्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि इन्हें इल्म की प्यास है, इस हवाले से हम इन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट से लेकर आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अब MPhil भी स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री में बाकी डिपार्टमेंट में तो हो भी चुका है कुछ में, हम इस तरीके से बेहतर से बेहतरीन की तरफ कोशिश कर रहे हैं, जैसे VC साहब डेवलपमेंट की तरफ कोशिश कर रहे हैं और भी सारे मामला देख रहे हैं, इसी तरीके से HOD साहब और हमारे पूरे टीचर्स की कोऑपरेशन की वजह से हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और कमिंग डेज में आप देखेंगी इस यूनिवर्सिटी का शुमार। अपने लैब में अपनी वहाँ पर उनके CMC सोडियम यानी कि SLE है, सोडियम नारियल इथर सुनते हैं, वो यहाँ के उनके हज़ार नहीं है सफर के, हमने पहले उसको यानी कि अपने लैब में क्लियर किया, फिर उसके साथ हमने एक डिटर्जेंट दूसरे में ये हमने डाला है CMC, उससे हमारे पे क्या होता है यानी कि ब्लीचिंग इफेक्ट बढ़ चले, कुछ होते हैं डार डार का क्या होता है, हम वहाँ पर कंट्रोल करते हैं जो कम यानी ब्लीचिंग इफेक्ट डार की, वहाँ पर हम SLES वाला यूज करते हैं, दूसरा है CMC वाला वहाँ पर हम जिनकी ब्लीचिंग इफेक्ट ज़्यादा होता करते हैं उसके लिए हम कोई इन ये क्वालिटी हमने लैब में तैयार किया और हमें इनके मार्केट में नहीं मिला। तो ये आप किस क्लास के हैं, किस सेमेस्टर के हैं, अपना इंट्रोडक्शन बता दें। BS Chemistry 5th सेमेस्टर। ग्रेट, ये आप दिखा दें अपना जो प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है इसको शो ऑफ करते हैं।
पास तीन किस्म के डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट स्मेल और क्वालिटी भी चेक कर लें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देसी ने महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर एहतमाम गाज़ी यूनिवर्सिटी में मुनाक़दा दो रोज़ा ज़राई नुमाइश का इफ्तिताह किया। डीजी खान में मुनाक़दा इस नुमाइश में एमपीए शहीना नजीब खोसा, स्पेशल सेक्टर ज़राअत मार्केटिंग पंजाब वक़ार हुसैन ने खसूसी शिरकत की। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देसी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये नुमाइश जनूबी पंजाब में ज़राई तरवीज और तरक्की के लिए एक अहम संग मील साबित होगी। इस नुमाइश में तमाम स्टेक होल्डर्स की गैर मामूली दिलचस्पी सामने आई है, जिससे इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को बिजनेस डील्स में मदद मिलने की तवक्को है। इस नुमाइश ने तमाम स्टाक होल्डर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिससे वो जदीद ज़राई मशीनरी और फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा के लिए जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से आगाही के अलावा अपने कारोबार के फ़रोग के लिए एक दूसरे से बआसानी रब्ता कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख की पहली हुकूमत है जिसको इस बात का बखूबी अदराक है कि ज़राई तरक्की के बगैर मुआशी अहदाफ का हसूल मुमकिन नहीं है। इसलिए मौजूदा हुकूमत ने बरसरे इक्तदार आते ही ज़राअत के शोबा की तरक्की को अवलीन तरजीह करार देते हुए इकदामात का आगाज़ किया। जनूबी पंजाब में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए 29 मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है, जिस पर मजमूई तौर पर 10,66,00,000,00,000 रुपये की खतीर रकम खर्च की जा रही है, जिनमें से जनूबी पंजाब में उफ़की लैंड डिवेलपमेंट पर 2,00,00,000 रुपये, कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबे पर 39,00,00,000 रुपए, जनूबी पंजाब में 10 ज़राई मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए 19,97,00,000 रुपए, तहसील कोह सुलेमान और डेरा गाजी खान में ज़राअत की तरक्की के मंसूबे पर 18,58,00,000 रुपए और राजनपुर में काटन रिसर्च सब स्टेशन के क़याम पर 21,60,00,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर स्पेशल सेक्टर ज़राअत मार्केटिंग पंजाब वक़ार हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब में काश्तकारों और दीगर स्टाक होल्डर्स ने इस नुमाइश में गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। इस नुमाइश में तकरीबन 100 स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनसे काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से आगाही के अलावा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जो उनके कारोबार के फ़रोग में मुस्बत किरदार अदा करेगा। गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान 3 बैनुल अक्वामी नुमाइशों का इनाकाद किया गया, जिससे ज़राई बरामदात में मजमूई तौर पर 13.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर शो 2022 का इनाकाद भी काश्तकारों और बरामद कुनंदगान के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद साबित होगा और ये नुमाइश ज़राई बरामदात में इजाफा के लिए एक अहम प्लेटफार्म साबित होगी। नुमाइश में महकमा ज़राअत के अफसरान और काश्तकारों की कसीर तादाद शरीक हुई। ये 2 रोज़ा कौमी ज़राई नुमाइश 7 और 8 मार्च को गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा गाज़ी खान में मुनाक़िद हुई, जिसका इफ्तिताह सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देसी ने किया। नुमाइश में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब असद रहमान गिलानी ने भी शिरकत की। नुमाइश में मकामी और मुल्क ज़राई मसनूआत इंडस्ट्री, ज़राई मशीनरी, फल और सब्जियों के स्टाल लगाए गए। इस नुमाइश से किसान, ज़िम्मेदार, ज़राई इंडस्ट्री से मुंसलिक सनतकार और बरामद कुनंदगान इस्तेफादा करेंगे। इस ज़राई नुमाइश का मकसद किसानों को शामिल करके ऐसे अवामिल जो फसलों की पैदावार और मुनाफे को कम करते हों उनके मुनासिब हल के लिए नए तरीक़ाकार की बड़े पैमाने पर नुमाइश करना, किसानों को शामिल करते हुए ज़राई पैदावार को बढ़ाने वाले अवामिल जैसे बीमारियों, कीड़ों मकोड़ों और जड़ी बूटियों के मुनासिब तदारक, मशीनरी पर तहकीकी तजर्बात की नुमाइश करना था। नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इक्तसादी तजर्बा करना ताकि मुनाफा का अंदाज़ा किया जा सके। तमाम शराकत दारों के माली मफादात का तहफ्फुज़ करने के लिए साइंसी बुनियाद पर बेहतर पैदावारी टेक्नोलॉजी और गंदम मूँगफली की पैदावार को मुनाफा बख्श बनाने के लिए तहकीक करना, तस्दीक शुदा बीज के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए गांवों की सतह पर नई इकसाम के बीज के प्लाट्स लगाकर अच्छा बीज पैदा करना और इसी गांव में फैलाना,
ज़िम्मेदारों को खालिस सेहतमंद बीज पैदा करने की फ़नी तरबियत मुहैया करना था। गवर्नमेंट के ज़राई तहकीकती इदारों से आने वाली नई तहकीक को निजी शोबा और सरकारी ज़राई तोसी के इदारों की मदद से काश्तकारों तक पहुँचाना था। निजी शोबा को शामिल करके सेमिनार्स और वर्कशॉप